Yo, it's your boy, yo, honey singer, 21 June, जी हाँ, दो बड़ी चीजें हैं आज, एक तो है World Yoga Day, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा कीजिए, और mental peace और good health के लिए, और एक और बड़ी मजेदार चीज है कि आज International World Music Day है, जो हम जैसे सारे artists के लिए बहुत बड़ी चीज है, तो World Music Day वाले दिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो as a musician मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ, और कुछ ऐसे गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो लेट्स स्टार्ट हाउ आई बिगिन. म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू किया था, कैसे किया था, बात है तकरीबन 99-2000 की. उस टाइम पे मल्टी लेवल एडिटिंग के लिए एक दो सॉफ्टवेयर ही आते थे, उसमें से एक था कूल एडिट प्रो. उस पर मैंने काफ़ी मल्टी ट्रैक एडिटिंग करके चॉप करके किक्स और स्नेयर्स को काफ़ी कुछ बनाया. ये बातें उनको ज़्यादा समझ में आएंगी जो खुद म्यूज़िक बनाते हैं. किक स्नेयर बूम ये होती है जो बीट में बज रही होती है. सो बहुत लंबा रहा मेरा ये पूरा जर्नी. 2003 में मेरे को मेरे दोस्तों ने एक सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम है एसिड प्रो वर्जन 4. तो उस पर मैंने म्यूज़िक बनाना शुरू किया, बीट्स बनानी शुरू करी. और इवन आप बिलीव नहीं करोगे 2003 से लेकर 2019 है मैं सेम सॉफ्टवेयर पर काम करता हूँ. और एसिड प्रो पे काम करने के कुछ टाइम बाद प्रोपेलर हेड का एक और सॉफ्टवेयर है जिसे बोलते हैं रीजन, उसमें मैंने बीट्स बनानी शुरू करी री ड्रम में. और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रूटी लूप्स पे काम किया, और फ्रूटी लूप्स पे मेलोडी बना के बीट बनाता था रीजन में, और उसको मैं एसिड प्रो में कंपाइल करता था. तो आई थिंक ये बातें सबको समझ में नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये सब जो काफ़ी सारे मेरे को मेल्स होते थे, मैसेज आते थे मेरे फैंस के जो खुद म्यूज़िक करना चाहते हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, तो ये उनके सवालों के कुछ जवाब हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, तभी मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो बहुत कुछ है म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, आपको मेन ये चाहिए कि आप वर्ल्ड म्यूज़िक सुनो, हर तरह का म्यूज़िक सुनना चाहिए. उससे कहना कि आप इन्फ्लुएंस होके यू कैन मेक योर ओन बीट, यू कैन मेक पीपल सिंग फॉर यू, एंड यू कैन ऑल्सो सिंग ऑन इट. सो बातें हो रही थी म्यूज़िक प्रोडक्शन की, जो लोग बच्चे म्यूज़िक प्रोडक्शन करना चाहते हैं और कहीं से सीखना चाहते हैं. अब तो ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो म्यूज़िक प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोग्रामिंग सब सिखाते हैं, इंजीनियरिंग सिखाते हैं. सो इट्स लाइक एवरी डे लर्निंग. आज मुझे तकरीबन 15-16 साल लग गए ये काम करते हुए, एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर तो शुरू किया था, लेकिन आज भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड म्यूज़िक सुनते हैं, इंटरनेशनल बीट्स सुनते हैं, इंडियन बीट्स सुनते हैं, इंडियन गाने सुनते हैं, सब में कुछ ना कुछ सीखने के लिए कोई ऐसा ग्रूव मिल जाता है कि यार लगता ये कुछ है, ये ग्रूव कुछ है, ये ग्रूव ऐसा है, ये ग्रूव वैसा है. सो म्यूज़िक प्रोडक्शन ही मैं करना चाहता था मेन, रैप आर्टिस्ट या जो भी कहो, एंटरटेनर या सिंगर मैं बाई चांस बनाऊँ और बाद में बनाऊँ, कई सालों बाद बनाऊँ. मैंने अपना करियर म्यूज़िक प्रोडक्शन से ही शुरू किया था, और म्यूज़िक प्रोडक्शन में मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बचपन से AR रहमान साहब का, और उनका म्यूज़िक मैंने इतना ज़्यादा सुना है शायद उन्होंने खुद नहीं सुना होगा, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला. वो रहमान सर का म्यूज़िक उस वक्त में जब मैं तकरीबन 12-13 साल का था या 15 साल का था, उस वक्त भी इतना इंटरनेशनल था और इतना यूनिक था जिससे मेरे को ड्राइव किया. और धीरे धीरे मैंने भी म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू करी. 2005 में अशोक मस्तीपाजी का गाना किया मैंने खड़की गलासी, तो वो डांस हॉल बीट थी, और 2005 के हिसाब से वो बीट जैसा कि लोग बोलते हैं ये बहुत एडवांस थी, क्योंकि मैंने उससे पहले मैंने हिप हॉप बहुत सुना. लोग कहते हैं मैंने टूपाक सुना है, लोग कहते हैं मैंने ड्रे सुना है, लोग कहते हैं मैंने स्टूप डॉग सुना है. मैंने सुना सबको है, लेकिन मैंने लिरिकली किसी को नहीं सुना. मुझे नहीं समझ आता वो स्लैंग में क्या बोलते थे क्या नहीं, आज भी नहीं आता, लेकिन मैं म्यूज़िक पकड़ता था, स्टिल ड्रे पकड़ता था, नेक्स्ट एपिसोड, और बहुत बहुत बीट्स हैं, स्पेशली टिम्बरलैंड की बीट, रहमान सर के बाद डॉक्टर ड्रे एंड टिम्बरलैंड, ये दो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं इंटरनेशनली जो मुझे बहुत पसंद है. इनकी प्रोडक्शन में डेप्थ है, टिम्बरलैंड की प्रोडक्शन फुल ऑफ अफ्रीकन साउंड, फुल ऑफ इंडियन साउंड, लॉट्स ऑफ पर्कशंस, और दूसरी तरफ डॉक्टर ड्रे की बीट्स विद क्लासिक पियानो, स्ट्रिंग्स, काउंटर्स. तो दोनों वो मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मेरी चॉइस ही थी कि मैं इनका म्यूज़िक सुनूं और किसी तरह इन जैसा म्यूज़िक बनाने लग जाऊं. ये मेरा मेन मकसद था जिसकी वजह से मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन करना शुरू किया. सो 2003 से लेके 2005 तक कुछ स्ट्रगल किया, तो एक मौका मिला मुझे एक हिप हॉप बीट बनाने का, उसको मेन स्ट्रीम में रिलीज़ करवाने का, और हुआ खड़के गलासी 2005 में, और बहुत लोगों ने पसंद भी किया. फिर उसके बाद दोबारा स्ट्रगल ये शुरू हो गया था कि काम नहीं मिल रहा था उसके बावजूद, तो 2006-2007 बड़े मुश्किल निकले. 2008 में
2007 में इनफैक्ट मुझे राज बराड़ पाजी पंजाब के सिंगर हैं बहुत बड़े थे इनफैक्ट, तो उन्होंने मुझे चांस दिया और मुझे मौका मिला कि मैं दोबारा से कुछ कर पाऊँ मेन स्ट्रीम में। और उनके साथ रह रहे के थोड़ा सा ये हो गया कि राइटिंग टेक्निक्स थोड़ी समझ में आने लगी। देखो क्या है, म्यूज़िक आप कहीं से भी सीख सकते हो, कोई भी साज बजाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, और किसी भी तरह आप डांस करना सीख सकते हो, म्यूज़िक बनाना सीख सकते हो, म्यूज़िक बजाना सीख सकते हो। सबसे मुश्किल चीज़ एक है जो मुझे लगता है कि आप लिखना नहीं कहीं से सीख सकते, इट्स इन यू समथिंग। आप टेक्निक्स पकड़ सकते हैं कि हाँ ये राइम है, ये काफिया है, ये इससे मैच करके बन सकता है। फाइनली अगर आपके अंदर बातें हैं बहुत सारी तो आपको कहनी आनी चाहिए। अगर आप उनको कह सकते हैं दिस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग अ सॉन्ग, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आज भी दिल्ली की सड़कों पे गाड़ियों में यारों दोस्तों के साथ घूमता हूँ टिल नाउ डिसगाइज में, तो वहीं से बातें निकलती हैं यारों दोस्तों के बीच। मेरे मोस्टली जो यार दोस्त हैं वो म्यूजिशियंस नहीं हैं, वो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग फील्ड में मेरे साथ वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते में कभी एक दो बार ही उनसे मिलता हूँ और बातें होती हैं, इधर म्यूज़िक से हट के बातें होती हैं, उन बातों के अंदर ही कोई ना कोई बात निकल आती है। तो मैं क्या करता हूँ, उस बात को नोटपैड में नोट कर लेता हूँ, ऐसे तकरीबन कितने पॉइंट्स थे, कुछ बातें मेरे दिमाग में आई, लाइक कहीं पर बात मेरे थॉट में आई थी कि कहाँ को जाएगी, कहाँ को आएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, तेरे घर अखबार नहीं आता, ये चीज़ें मोस्टली मैंने अपने जो गाने लिखे हैं सड़कों पे लिखे, सड़कों पे पॉइंट्स बना के स्टूडियो में बैठ के फिर लिखे। लेकिन मुझे नहीं याद, आई थिंक 3-4 या 5 गाने होंगे जो मैंने स्टूडियो में बैठ के पूरे लिखे होंगे, नहीं तो मैं आइडियाज़ को ही कलेक्ट करता था, स्लैंग्स कलेक्ट करता था और उनके साथ गाना बजाता था। यो, सो बात हो रही थी गाने लिखने के ऊपर, राइटिंग टेक्निक्स के ऊपर, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर तरह के लिरिसिस्ट, हर तरह के शायर को सुनूं, पढ़ तो मैं सकता नहीं उन लोगों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं किताबें पढ़नी, स्कूल से नहीं स्कूल के टाइम से नहीं पढ़ी तो अब क्या पढ़ेंगे। तो यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, बहुत सारे शायर, बहुत सारे पोइट्स और इन लोगों के गाने या इनकी नज़में या इनकी कवीशरी जो पंजाबी में कही जाती है। तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गुलजार साहब का और बहुत सारे और राइटर्स हैं जिनको मैं सुनता हूँ। तो मेरे यार दोस्त पूछते हैं तू गाने बनाता है नाचने टापने वाले, इसमें नए स्लैंग्स होते हैं, स्ट्रीट की बातें होती हैं, तो उनको क्यों सुन रहा है? वो चीज़ें कहना कि एक इंस्पिरेशन देती हैं कि हाँ एक गाने को लिखना कैसे, एक इंट्रो चाहिए गाने को जो उसको बिल्डअप देगा, बीच में करारी बात चाहिए जो उसको ब्रिज बनाएगी, और एंड में आपके पास पंच होना चाहिए कोई स्लैंग का, या स्लैंग तो मैं कह रहा हूँ, आपके पास एंड में एक पंच होना चाहिए जिससे वो पूरी 4 या 8 बार्स या वो एक पूरा पन्ना प्रॉपर होता है और इससे गीत बनता है। सो ये कुछ ऐसी बहुत, वही बता रहा हूँ कि म्यूज़िक आप किसी को भी सिखा सकते हो लेकिन लिखना नहीं सिखा सकते, वो अपने आप ड्राइव होता है, आप बातें सुनते हो, बातों में बातें निकलती हैं और फिर गाना लिखा जाता है। तो ये मेरी टेक्निक है गाना लिखने की और ये मेरी टेक्निक है म्यूज़िक बनाने की। आई स्टिल यूज़ एसिड प्रो वर्जन 4 टिल नाउ। सो बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा होने वाला है, ये भंगड़ा हिप हॉप क्या होता है, ये भंगड़ा हिप हॉप छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, कुछ छुपाऊंगा अभी कुछ बताऊंगा अभी, भंगड़ा हिप हॉप है, ब्लेंड है, ये तो आपको पता ही लग गया। इस गाने में 6 कोरियोग्राफर्स ने कोरियोग्राफी करी है, क्योंकि एक कोरियोग्राफर प्रॉपर भंगड़ा है, एक कोरियोग्राफर बॉलीवुड स्टाइल है, 2 कोरियोग्राफर हिप हॉप हैं और 2 कोरियोग्राफर अर्बन हिप हॉप और अर्बन भंगड़ा का एक ब्लेंड है। सो हमने इन सबको, इन 6 लोगों को मिला के मगजमारी करके कुछ कंपोज किया है, डांस कंपोज किया, और आई होप आप सबको पसंद आएगा। और जहाँ तक आपको पता है कि मैंने अपना ब्राउन रंग किया दुबई में, ब्लू आइज किया हॉलीवुड में, कितने गाने ऑलमोस्ट लंदन से लेके हर जगह ऑस्ट्रेलिया तक हमने गाने शूट किए हैं, लेकिन ये गाना हमने शूट किया है पंजाब में और वहाँ का कल्चर उस तरह दिखाया कि शायद किसी और ने कभी दिखाया हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन काफ़ी लोगों ने पंजाब दिखाया। बहुत सारे हिप हॉप शूट करने के बाद, बहुत सारी गाड़ियाँ के आगे खड़े होके रैप करने के बाद, बहुत सारी यॉट्स में शूट करने के बाद मैंने कहा यार इट्स टाइम कि पंजाब शूट करते हैं, और पंजाब की जो वाइब है और जो कलर्स हैं तो वो दुनिया को दिखाते हैं वो क्या है। और ये पूरा वीडियो इतना इतना कलरफुल है कि आपको लगेगा कि ये फ्यूजी फिल्म का गाना है या ये रेनबो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून। कीप ब्लेसिंग, कीप लविंग, यो यो हनी सिंगर।